Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chapter number 13, Inverse Trigonometric Functions. पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट की. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि एक्सरसाइज 13.2 से रिलेटेड है. ठीक है, तो वो टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूलास, यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूलास. अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, अगर हम साइन इन्वर्स ऑफ समथिंग है, साइन इन्वर्स ऑफ समथिंग प्लस कॉस इन्वर्स ऑफ समथिंग है. ठीक है, पहले हम इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे. ठीक है, साइन इन्वर्स की अलहदा से वैल्यू फाइंड करें, उसके बाद कॉस इन्वर्स की अलहदा से वैल्यू फाइंड करें, उसके बाद उनको ऐड करें. तो इससे बेहतर ये है कि हम इनके फार्मूलाज यूज़ करें. ठीक है, डायरेक्ट हमारे पास फार्मूलाज हों, हम वो फार्मूलाज प्रूव कर लेते हैं. ठीक है, और वो फार्मूलाज हम डायरेक्टली यूज़ करें और आसानी से उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन फाइंड कर सकें. ठीक है, तो उसके कुछ फार्मूलाज हम यहाँ से देख लेते हैं, प्रूव करते हैं. यानी कि हम कह देते हैं जी साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी, लेट्स सपोज हमने ये फाइंड करना है. ठीक है, तो उसके लिए हम कोई ना कोई फार्मूला देखते हैं किस तरह से हम जो है फाइंड कर सकते हैं. तो चलें, साइन इनवर्स ऑफ ए है अगर, तो उसको मैं कह देता हूँ, अगर मैं अलग अलग सॉल्व करूँ, वो मैं किस तरह से सॉल्व करूँगा, वो मैं सॉल्व करूँगा साइन इनवर्स ऑफ ए या बी जो भी है हमारे पास. ठीक है, ए उसको पहले मैं एक्स के इक्वल रखूँगा और इसको फिर साइन इनवर्स ऑफ बी जो है उसको मैं वाई के इक्वल सपोज करूँगा, या कोई भी हम सपोज कर सकते हैं अल्फ़ा बीटा. ठीक है, तो इस तरह से मैं पहले सपोज कर लूँगा, उसके बाद मैं कहूँगा जी कि ये जो है एक्स को मैं राइट साइड पे ले आऊँगा, फिर ए इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स हो जाएगा. इसी तरह से दूसरे के लिए भी के बी इज इक्वल टू साइन ऑफ वाई बन जाएगा. ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं इनकी वैल्यूज फाइंड करूँगा. ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर जो है वो फार्मूला फाइंड करना है. तो हम ऐसे करते हैं कि मैं कॉज अगर फाइंड करता हूँ, यानी कि अगर मैं कहता हूँ जी कि साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ वाई, ठीक है, इज इक्वल टू जो कुछ भी है या फिर मैं कहता हूँ जी के साइन ऑफ एक्स प्लस वाई. ठीक है, इसको रहने देते हैं, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जो कुछ भी है, उसके बाद मैं कहूँ जी के साइन ऑफ, बल्कि साइन हम राइट साइड पे ले जाते हैं, तो फिर हमारे पास एक्स और वाई जो है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ जो पहले से मौजूद होगा साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा. ठीक है, यानी कि इस तरह से हम फाइंड करेंगे. लेकिन अब यहाँ से साइन ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई हमने फार्मूला एक पढ़ा था 9th चैप्टर में, साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये वही फार्मूला है जो हम अल्फा प्लस बीटा के लिए पढ़ते हैं. साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा. ठीक है, तो ये वो फार्मूला है. तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक तो साइन एक्स चाहिए, चलें वो तो हमारे पास मौजूद है, उसके अलावा मुझे साइन वाई चाहिए, वो भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन कॉस वाई और कॉस एक्स मेरे पास नहीं है ये फाइंड करने के लिए. ठीक है, तो वो हम फाइंड करेंगे. पहले कॉस वाई किस तरह से आएगा, कॉस एक्स किस तरह से आएगा,
चलें पहले cos x फाइंड करते हैं, cos of x इज इक्वल टू किसके होता है, अगर हमारे पास sin मौजूद है तो क्योंकि हमारे पास sin x मौजूद है ना, तो यहाँ से हम cos x फाइंड कर सकते हैं ना। किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैं लिख देता हूँ, आइडेंटिटी है जी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से cos of x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर रूट, इससे हम कॉज एक्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें हम यहाँ से फिर कॉज एक्स फाइंड करते हैं। तो कॉज एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, कॉज एक्स इक्वल आएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर साइन स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल हमने लिया हुआ है, साइन एक्स किसके इक्वल लिया हुआ है, ए के इक्वल, तो साइन एक्स की जगह हम ए पुट कर देते हैं, यानी कि 1 माइनस इसकी जगह ए आ जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा और उसका होल स्क्वायर रूट, और बार प्लस माइनस होता है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट हम ले रहे हैं। तो प्लस माइनस अब यहाँ से हमने डिसाइड करना है कि पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, तो बात किसकी हो रही है ये पहले देखते हैं। साइन इनवर्स ऑफ एक्स है यहाँ से, ठीक है, इसकी बात हो रही है साइन इनवर्स ऑफ ए की। तो इसके लिए हमारे पास डोमेन क्या होती है, डोमेन होती है पाए माइनस पाए बाय टू से पाई बाय टू, ये डोमेन होती है इसकी, इससे बात चली है ना एक्स की। तो हम साइन इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स है, फिर यहाँ से साइन एक्स आया, फिर हम उससे कॉज एक्स निकाल रहे हैं, बात यहाँ से चली है साइन इनवर्स से, उसके लिए हमारी डोमेन जो है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होती है। और माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के दरमियान कॉज की वैल्यू क्या होती है, कॉज की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। आपने ग्राफ भी देखा या आप कैलकुलेटर से भी कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करके देखें, माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू तक कॉस की सब वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, इसलिए हम यहाँ से नेगेटिव को नेगलेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव को हम ले लेंगे, ठीक है। यानी कि कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव 1 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अच्छा, कॉस एक्स अब हमारे पास आ चुका है, इसी तरह से और क्या हमें चाहिए, मतलब कि हमने साइन एक्स हमारे पास है, साइन वाई है, कॉज एक्स आ गया, अब कॉज वाई चाहिए। कॉज ऑफ वाई, जब साइन वाई हमारे पास मौजूद है, जिस तरह से साइन एक्स था हमने कॉज वाई कॉज एक्स फाइंड कर लिया, उसी तरह से कॉज वाई भी हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास साइन वाई है, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का स्क्वायर रूट और बार प्लस माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन वाई, साइन वाई आप देखें किसके इक्वल है, साइन वाई बी के इक्वल है, तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ बी, 1 माइनस बी स्क्वायर और बाहर प्लस माइनस। अब ये भी वही केस है कि कहाँ से बात चली इसकी, इसकी बात चली यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ बी, साइन इनवर्स जो है उसके लिए डोमेन जो है वो होती है माइनस पाई बाय टू से पाए बाय टू, ठीक है। तो इसके दरमियान में जो कॉस की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर भी हम ये पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये कॉज ऑफ एक्स, ये बल्कि ये कॉज ऑफ एक्स है, मैंने वाई लिखा हुआ है, तो कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये आ चुका है, बल्कि वाई ही था, ऊपर है कॉज ऑफ एक्स, कॉज ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, और कॉज वाई की वैल्यू है 1 माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं ये जो हमारा फार्मूला है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई और कॉस एक्स साइन वाई, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब इसमें वैल्यूज हम इसकी पुट करते हैं, साइन एक्स की क्या वैल्यू है, साइन एक्स की वैल्यू है ए, ठीक है, और साइन वाई की बी है, साइन एक्स ए आ गई, कॉस वाई हमने फाइंड किया स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट है, ठीक है, 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। इसी तरह से साइन वाई ऊपर देखें, साइन वाई इक्वल है बी के, तो यहाँ पर हम बी साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया a इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट और प्लस b इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू है साइन ऑफ
x plus y. अब यहाँ से देखें x plus y अगर हम find करें is equal to क्या होगा sin inverse of a square root of 1 minus b square plus b square root of 1 minus a square. ठीक है, तो अब यहाँ x और y क्या चीज़ें हैं, ये हमने sin of x y क्यों find किया, क्योंकि हम find करना चाह रहे थे इन दोनों का addition, यानी कि sin inverse of a plus sin inverse of b, इसलिए हमने x of x plus y यहाँ पर आ चुका है. ठीक है, तो x की जगह हम put कर देते हैं sin inverse of a, sin inverse of a इस x की जगह आ गया, और y की जगह क्या आएगा sin inverse of b is equal to जो हम find कर चुके हैं वो है sin inverse of a square root of 1 minus b square plus b square root of 1 minus a square. ठीक है, तो ये हम हमारे पास फार्मूला एक आ चुका है sin inverse of a is equal to sin inverse of a plus sin inverse of b is equal to sin inverse of a square root of 1 minus b square plus b square root of 1 minus a square. यहाँ पे किसी यानी कि उसका वो find करने की ज़रूरत नहीं है अलग अलग से, यहाँ पर एक दफ़ा ही हम वो वैल्यू लेंगे जो यहाँ पर है. ठीक है, और इसमें b की जगह ये वैल्यू लेंगे. ठीक है, तो ये दोनों सॉल्व करके उसके बाद इकट्ठा उसका sin inverse ले लेंगे, तो अलग अलग sin inverse find करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो ये हमने फार्मूला find कर लिया. इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का अगर फार्मूला हो, ये तो एडिशन है ना, तो सब्ट्रैक्शन हो तो क्या होगा, सिर्फ माइनस का फर्क आएगा उसमें, यानी कि ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, ये सिर्फ इस नेगेटिव का फर्क आ जाएगा माइनस के लिए. तो ये फर्स्ट फार्मूला, ये एडिशन के लिए और ये सब्ट्रैक्शन के लिए. इसी तरह से कॉस के भी फार्मूलाज हैं. ठीक है, वो भी आप खुद से प्रूफ कर सकते हैं. तो यहाँ मैंने साइन का प्रूफ कर दिया, उसी तरह से आप कॉस का भी प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है, तो वो मैं फार्मूलाज यहाँ पर लिख देता हूँ. कॉस इनवर्स ऑफ ए माइनस, यानी कि ये आप ए और बी, सिर्फ ए भी नहीं है, ये ए और बी की जगह कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, 1/2, 1/√2, √3/2. ठीक है, इस तरह की वैल्यूज हो सकती हैं. तो कॉस इनवर्स ऑफ ए प्लस कॉस इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो इस तरह से आप कॉस इनवर्स के भी एडिशन फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, उसमें भी सिर्फ जो है साइन का चेंज आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ ए माइनस कॉस इनवर्स ऑफ बी इक्वल आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ ए बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारे पास जो फार्मूलाज आ चुके हैं एडिशन के भी और सब्ट्रैक्शन के भी. चलिए, ये तो हो गया साइन और कॉस के लिए, लेकिन हमारे पास जो है बाकी भी तो फंक्शंस है ना, टेंजेंट है. ठीक है, तो टेंजेंट के लिए भी देख लेते हैं. मतलब कि अगर हमने फाइंड करना हो, जिस तरह से साइन का हमने फाइंड किया, टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी, ये हमने अगर फाइंड करना हो, तो इसके लिए हम अलग-अलग टेंजेंट इनवर्स तो नहीं फाइंड करेंगे ना, बल्कि कर भी सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट फार्मूला फाइंड करना चाह रहा हूँ, ताकि मैं जब भी दो टेंजेंट इनवर्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन फाइंड करना चाहूँ, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करूँ और मैं उसमें वैल्यूज पुट करके अपना आंसर कैलकुलेट कर लूँ. ठीक है, अलग-अलग मुझे हर बार
फाइंड ना करना पड़े। तो उसके लिए हम देखते हैं जिस तरह से साइन के लिए किया था कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए को हमने लेट कर लिया था, लेट टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, उसी तरह से टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू वाई, और फिर यहाँ से ए इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स और वाई, बल्कि बी इज इक्वल टू टेंजेंट वाई आ गया। ठीक है, अब हम टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस वाई फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि एक्स प्लस वाई फाइंड करेंगे तो हमारे पास इन दोनों की एडिशन आ जाएगी। ठीक है, और टेन को उधर जाके लेके जाएंगे तो फिर हमारे पास टेन इनवर्स आ जाएगा। तो हमने फाइंड एक्चुअली करना है एक्स प्लस वाई, तो इसके साथ हम टेंजेंट ले लेते हैं। टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस वाई, हमारे पास फार्मूला मौजूद है टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस वाई या टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, जो हम पहले पढ़ते आए हैं चैप्टर नंबर 9 में। वो फार्मूला क्या है, टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस टेंजेंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट वाई, ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टेंजेंट ऑफ एक्स हमें हमारे पास मौजूद है, टेंजेंट ऑफ वाई भी मौजूद है, तो दोनों की हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। टेंजेंट ऑफ एक्स किसके इक्वल है, टेंजेंट ऑफ एक्स इक्वल है ए के, और टेंजेंट ऑफ वाई किसके इक्वल है, बी के। इसी तरह से 1 माइनस ए इंटू बी, ठीक है, टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस वाई आ गया। अब यहाँ से हमने तो x प्लस वाई फाइंड करना है, ठीक है, तो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए इंटू बी। ठीक है, अब x क्या है, y क्या है, जो हमने लेट किया हुआ है, x को हमने टेंजेंट इनवर्स ऑफ a के इक्वल लेट किया हुआ है, y को हमने टेंजेंट इनवर्स ऑफ b के इक्वल लेट किया हुआ है, तो यहाँ हम पुट कर देते हैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ a प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, यानी कि हम प्रूव कर चुके हैं ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ a प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ b इसके टेंजेंट इनवर्स ऑफ a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली अपनी वैल्यूज जो हैं वो पुट करके हम टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हर बार, तो ये हमारे पास ये फार्मूला आ गया। इसी तरह से इनवर्स का भी है, ठीक है, वो मैं प्रूफ नहीं कर रहा, सिर्फ साइन का फ़र्क है। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस बी, बल्कि a माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये सेकेंड फार्मूला है सब्ट्रैक्शन के लिए। अच्छा, एक और फार्मूला है हमारे पास, अगर इसी से मैं आगे लेकर चलूंगा, अगर इफ a इज इक्वल टू b हो तो क्या होगा, तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ a प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ a, इसमें मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ a प्लस a डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू a। तो ये हमारे पास क्या फार्मूला बन रहा है, 2 tan inverse of a, ठीक है, 2 tan inverse of a is equal to tan inverse of 2a divided by 1 minus a square। मतलब कि हमारे पास सेम वैल्यूज हों दोनों, यानी कि a b डिफरेंट ना हो बल्कि दोनों सेम वैल्यूज हों, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट फार्मूलाज थे सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने के लिए। तो ये 13.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड है, उसमें हम ये यूज़ करेंगे।
ठीक है, उसमें प्रूफ भी कुछ हम करेंगे इक्वेशंस, तो उसमें ये यूज़ होगा। तो यहाँ पर जो है ये टॉपिक भी ख़त्म होता है और इस लेक्चर को भी हम यहाँ ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे।